सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। भारत एक महान पवित्र उत्तम प्रदेश है। ये शांति का क्षेत्र है, विकास का भी क्षेत्र है, मनुष्यों का मेहनत से ईश्वरीय शक्ति के कारण इधर सर्व कल्याण होता है। मानव जीवन में प्रार्थना भी चाहिए और प्रयत्न भी चाहिए विकास के लिए। अभी वर्तमान स्थिति में देश का जो संकट पहुंच गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में जो क्षति पहुंच गया है, उससे बाहर आने के लिए, विमुक्ति के लिए ईश्वर का अनुग्रह, देवी भगवती का अनुकंपा के लिए जून महीने में 16 तारीख को अर्थात मंगलवार अश्विनी नक्षत्र युक्त पर्व काल में, भौमाश्विनी पर्व काल में एकादशी के पुण्य अवसर पर देवी का विशेष अनुकंपा, दया, कृपा भक्तों के प्रति होने के लिए एक उपासना का, एक अनुष्ठान का प्रयोग हो सकता है। तो चंडी पाठ का वहाँ वहाँ शक्तिपीठ में और शक्ति स्थलों में और मठ मंदिरों में, आश्रमों में, घर में भी पवित्र वातावरण में गोमय से शुद्ध करके, आम का जो पत्ता है उससे वो तोरण वगैरह करके, रंगोली करके, अगर घर में भी करना है तो पवित्र स्थान बना के चंडी पाठ का और चंडी हवन का, उसके साथ साथ
जो कैलाश से पार्वती परमेश्वर से आसोल से जो आद्य शंकराचार्य जी ने जो प्राप्त किया है सौंदर्य लहरी महास्त्रोत्र, वैसे महाभारत के विराट पर्व में देवी का स्तोत्र भी है। वैसे केरल में जो प्रसिद्ध नारायणीयम जिसको कहते हैं, 1000 श्लोक है, भागवत का सार माना जाता है, कृष्ण कथा है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब आरोग्य जीवन के लिए उसका पाठ करना अभ्यास में है। गुरुवायूरपन का स्तुति है, वैसे विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी हो सकता है। रोगार्तो मुच्यते रोगात्, सब लोग भक्त लोग भी उस दिन अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। बालाम्बिकेश वैद्येश भवरोग हरेति च जपेन नामत्रयम् नित्यम् महारोग निवारणम्। ऐसे भगवान का नाम का माला भी कर सकते हैं। वैसे सब लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से सामूहिक प्रार्थना, मतलब लोग बहुत लोग इकट्ठा नहीं होना, पर वहाँ वहाँ मठ मंदिरों में घर में जो सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए जो अनुष्ठान है वो तो प्रतिदिन करते समय भी पुण्य होता है। उसमें जो होमाश्विनी ऐसे पर्वकाल में करने से अनेक गुणा ये फल मिलने का अवकाश है, इसलिए उस संदर्भ में सब लोग जहाँ जहाँ हो सकता है संभव है वहाँ वहाँ प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये हो सकता है, मतलब संस्कृति विभाग देवस्थान विभाग, वैसे देवस्वम बोर्ड, रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड और व्यक्तिगत रूप से जहाँ जहाँ व्यवस्था हो सकता है वहाँ भी करके इस महासंकट से विमोचन होने के लिए मानवीय प्रयत्न के साथ साथ ईश्वरीय प्रार्थना भी करना, उससे आध्यात्मिक उन्नति और देश का उन्नति आर्थिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जनता के बीच में भी सौजन्य और सौमनस्य होकर के उज्ज्वल भारत के लिए सभी लोग देवी का प्रार्थना करना। रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टादु कामान सकलान अभीष्टान त्वाम आश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय शंकर हर हर शंकर।